दोस्तों आज की कहानी है, सासू माँ आपको रोज रोज आपकी पसंद का खाना नहीं मिलेगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निशा कल अजय से 10 किलो आलू मंगा कर रख देना, भूलना नहीं, और बता देना कि कह कर लाए सेब्स के लिए आलू चाहिए। शाम को नैन से जी ने अपनी बहू से कहा, ठीक है मम्मी, बोल दूंगी। निशा ने कहा, नैन सी जी को शायद तसली नहीं हुई और सुबह ही बेटे से आलू लाने के लिए बोल दिया। अजय ने कहा, मम्मी तुम भी कहो, निशा भी कहे, तुम दोनों में से कोई एक ही कहा करो। मुझे याद रहता है अजय तो आलू लाना भूल गया, या जान बूझ कर गुस्से में नहीं लाया पता नहीं। लेकिन अजय के ऑफिस जाने के बाद नैन सी जी ने आलू के बारे में पूछा तो निशा ने कहा, जी नहीं लाए हैं, हो सकता है समय न मिला हो, अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहे थे। तो नैन सी जी ने कहा, ऐसा करो तुम ही ले आना और अभी ले आओ, जिससे मैं शाम को सिप्स घिस कर रख दूंगी और तुम सुबह को उबाल देना। निशा ने कहा, मम्मी अभी मुझे काम है, मैं अपना काम निपटा लूं फिर ले आऊंगी, ठीक है। ये है 70 वर्षीय नैन सी जी का परिवार, जिसमें उनके बेटा बहू अजय, निशा, एक 3 साल की पोती नायरा और 7 साल का पोता दिव्यांश। नैन सी जी को उम्र की वजह से कहे तो चलने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए वह घर पर ही रहती हैं, बहुत कम ही घर से बाहर निकलती हैं। जहां एक और नैन सी जी का समय कटता नहीं है, जिसे वह टीवी के साथ या घर का कोई हल्का फुल्का काम करके और मन हुआ तो पोता पोती के साथ बैठकर काटती हैं। वहीं दूसरी ओर निशा को काम से फुर्सत मिलती नहीं, मिलती वह अपना फ्रीलांस से काम करती है, जिसके लिए उसे 4 घंटे चाहिए होते हैं और बाकी समय में घर का पूरा काम और परिवार की देखभाल। हाँ तो आगे निशा ने अपना काम किया, बच्चों को पढ़ाया, खाना खिलाया, तब तक दोपहर के 3 बज गए। नैन सी जी फिर पूछ बैठी, ले आई आलू, तुम्हें तो त्योहार की चिंता ही नहीं है कि सिप्स पापड़ बनेंगे। आज कल तो बहुओं से घर के रोज के काम ही संभल जाए, वही बहुत हैं, और या तो त्योहार पर न जाने क्या क्या बना कर रख देते थे। निशा ये सब सुनती रहती है, मगर वह इन सब बातों में दिमाग नहीं लगाती, क्योंकि उसको अपना काम करने के लिए
फ्रेश दिमाग चाहिए, नहीं तो काम में डिस्टरबेंस होगा। अभी चाय बनाने के बाद लेकर आऊंगी, जरूर से लाऊंगी। निशा ने कहा, बच्चों को दूध दिया, नैनसी जी को चाय दी और खुद पी, फिर आलू लेने घर से निकल गई। आलू लाकर रख दिए। थोड़ी देर में शेफ्स कटर ले आओ और आलू सिलवा दो, मैं शेफ्स निकालती जाऊंगी, नैनसी जी ने कहा। निशा शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, उसे छोड़कर शेफ्स का काम करवाने लगी। शेफ्स बनाने के बाद इन्हें सुबह ही उबाल कर रख देना, मैं सुखाने के लिए फैला दूंगी, निशा ने कहा। ठीक है, कहकर खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अगली सुबह निशा ने कहा, मम्मी मैं पहले नहा धोकर पूजा कर लूं, नाश्ता बनाते समय ही शेफ्स उबाल दूंगी, जिससे मेरा समय भी बस जाएगा, कहकर नहाने चली गई और पूजा करने बैठ गई। आज उसका व्रत था तो पूजा में थोड़ा समय लग गया। पूजा खत्म हो ही चुकी थी कि जोर से सीखने और कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज नैनसी जी की थी। निशा भगवान के हाथ जोड़ जल्दी से भागी और किचन में जाकर देखा कि उबले हुए शेफ्स से भरा भगोना नैनसी जी के ऊपर गिर गया, जिस से उनके दोनों पैर और एक हाथ जल गया है। निशा ने तुरंत नैनसी को उठाया और उनके हाथ पैर पर ठंडा पानी डाला, फिर जले हुए पर लगाने वाला ट्यूब लगाया। जलने के कारण नैनसी जी की तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि उन्हें जलन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अजी नैनसी जी को लेकर डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपने जो भी फर्स्ट एड पर किया सही किया है, और कुछ दवाई तथा सावधानियां बरतने को कहा। अजय ने घर आते ही बोलना शुरू कर दिया, क्यों लाई तुम आलू निशा, न तुम लाती और न शेफ्स बनती, और जब बनाया करो तो तुम ही पूरा काम कर दिया करो, मम्मी से न कराया करो। हाँ मम्मी, आप बताओ, अब तो बढ़िया त्योहार होगा ना, ऐसे जले हुए बैठी हो, हर चीज की इतनी जल्दी क्यों रहती है आपको। निशा का भी तो अपना काम है, वह खाली होती है तो खुद देख कर कर देगी, लेकिन नहीं, जब तक अपनी जुबान से निकला हुआ पूरा न हो जाए तब तक खुद परेशान रहती हो और सबको। बाकी के शब्द अजय ने मुंह में ही रहने दिए, क्योंकि माँ है, ज्यादा बोलना भी गलत है, लेकिन माँ भी तो समझे। मैंने कहा था कि बस अभी पूजा करने के बाद कर दूंगी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मम्मी ने शेफ्स उबालने
रख दिए निशाने कहाँ, निशाने पहले सारी सफाई की और फिर नैन सी जी को खाने को दिया, जिससे वह उसके बाद दवाई ले सके। लो जी अब हो गया होली का त्योहार, दोनों छोटे बच्चों की जिम्मेदारी घर का काम, और ऊपर से अब मम्मी जी की तबीयत जिस पर ध्यान नहीं दिया तो जो फपोले पड़ गए हैं या जो घाव हैं वह खराब हो जाएगा और ठीक होने में समय भी लगेगा। अब त्योहार के लिए कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तैयारी तो उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सासू माँ को बाजार का कोई सामान पसंद नहीं, सब घर में बना होना चाहिए। साए कितनी भी परेशानी हो या बीमार हो, ज्यादा नहीं तो थोड़ा बनाओ मगर घर में बनाओ। अब आप समझ सकते हैं कि इस समय निशा के ऊपर क्या बीत रही होगी, बेसारी शक्कर गिन्नी बनी हुई है, सुबह से शाम बस काम काम और काम। निशा कुछ कह तो नहीं रही है लेकिन पता नहीं मन में क्या सोच रही है कि बार बार उसे अपने आंसू उसने पड़ रहे हैं। उसके मन की बात आप सब समझ ही सकते हैं कि अगर नैन सी जी इतनी जल्दबाजी न दिखाती तो उनको इतनी तकलीफ न होती। होली के त्योहार पर अब जो कोई भी मिलने आएगा वह यही कहेगा कि तुम क्यों इस उम्र में काम करती हो, बहू तो घर पर ही रहती है, वह कर देती। आज कल की बहुएं थोड़ी सुस्त होती हैं, उनसे हमारी तरह काम नहीं होता। सबको गलती सिर्फ निशा की ही नजर आएगी, परिवार के बुजुर्ग क्यों कुछ नहीं समझते हैं कि काम को कभी कभी आगे पीछे भी कर सकते हैं। बुजुर्गों की बात न सुनो तो सुनने का मिलता है कि तुम लोग तो अपनी ही सलाते रहते हो, तुम लोगों से कुछ काम नहीं होता। संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है कि बड़ों ने कहा तो तुरंत वह काम कर दे, और अगर सुन लो तो बिल्कुल वैसा वैसा करते जाओ जैसा जैसा हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं। जरा से भी न इधर न उधर, अब इतनी जल्दबाजी से क्या हुआ, सारी परेशानी तो निशा को ही हुई और नैन सी जी जल गई, उससे उनकी तबीयत भी खराब हुई और अब वह कुछ कर भी नहीं सकती। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।